इस बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। गोमती नगर के टेंडर पाम हॉस्पिटल में मरीज की मौत पर हंगामा किया गया, परिजनों का ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत का आरोप है। ये एक बहुत बड़ी खबर। राजधानी में एक बार फिर से हंगामा हुआ है, परिजनों को हंगामा करना पड़ा है। इसके पीछे की वजह है, परिजनों का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत हुई है। मरीजों की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट रहा है। अस्पताल संचालकों पर लापरवाही का आरोप लगा है। ऑक्सीजन की कमी से 8 मरीजों की मौत का अब तक आरोप लगा है कि 8 मरीजों की मौत हो गई है। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। कोविड के नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद कल नॉन कोविड वार्ड में शिफ्ट किया गया था और अब ऑक्सीजन की वजह से मौत हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब ऑक्सीजन की वजह से मौत हो रही है तो ये किस आधार पर कहा जा रहा है, ये किस आधार पर कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन सबको मिल रहा है। और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विवेक इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं, मोहम्मद मोइन प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले विवेक आपके पास आना चाहते हैं। अधिकारी तो कह रहे हैं कि सभी को ऑक्सीजन मिल रही है, बेड्स वहां पर हैं, लेकिन ना बेड है और ऑक्सीजन की वजह से मौत हो रही है, तो ऐसे में इन लोगों को क्या डर नहीं है कि उनकी संपत्ति जब्त हो सकती है? जी बिल्कुल राजीव, देखिए कल ही रिकॉर्ड ऑक्सीजन आने का दावा किया गया था। ये कहा गया था कि 600 मीट्रिक टन ऑक्सीजन राजधानी पहुंची है। कई टैंकर आए थे और लगातार टैंकर आने का सिलसिला जारी है। बोकारो से जो प्लांट है बोकारो में लगा हुआ, वहां से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। हवाई मार्ग के जरिए भी ऑक्सीजन मंगाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर अस्पतालों तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही है। जो टेंडर पॉम अस्पताल का मामला है, वहाँ पर कल रात को मरीजों की मौत हुई और वहाँ उनके जो परिवारिक जन थे वो आक्रोशित होकर हंगामा करने लगे। यहाँ तक कि एक जो परिवार के सदस्य थे उन्होंने धरना तक भी दे दिया वहाँ पर, और आज अभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर भीड़ इकट्ठी होगी, हंगामा शुरू होगा, धरना प्रदर्शन होगा और FIR भी कराने की बात सामने आ रही है। तो ये स्थिति है निजी अस्पतालों की। ऑक्सीजन की कमी की वजह से लगातार निजी अस्पताल हाथ खड़े कर रहे हैं, मरीजों को भगा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप दूसरे अस्पताल में शिफ्ट हो जाइए, सरकारी अस्पताल में शिफ्ट हो जाइए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्राइवेट अस्पतालों को दिया गया है उन्होंने अपने अस्पताल बंद भी कर दिए हैं। कुछ ऐसे अस्पतालों की लिस्ट हमारे पास आई है जिन्होंने बंद कर दिया है क्योंकि उनको लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही है। जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई आपूर्ति सुनिश्चित होगी तब वो अस्पताल चलाएंगे, ऐसा उनका कहना है। तो ये स्थितियां लगातार यहाँ लखनऊ में बनी हुई हैं, लेकिन सरकारी दावे इसके उलट हैं। सरकारी दावे ऐसे हैं कि जैसे सभी को ऑक्सीजन मिल रही है, लेकिन जो KGMU जैसे बड़े अस्पताल हैं, KGMU यूनिवर्सिटी, वहाँ पर भी ऑक्सीजन की कमी है, वहाँ दवाओं की कमी है, मास्क की कमी है। कल ही डॉक्टरों ने वहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया था कि जरूरी दवाएं नहीं मिल रही है और मास्क नहीं मिल, बिल्कुल मिल कुछ नहीं रहा है, लेकिन आंकड़ों पर सब मौजूद है। और सबसे गजब की बात विवेक ये है कि पूरे देश में जिस दिन कोरोना का रिकॉर्ड टूट जाता है उस दिन उत्तर प्रदेश में मामले गिर रहे हैं। प्रयागराज का रुख कर लेते हैं, वहां पर भी बड़ा कमाल हो रहा है कि मामले 2324 से घटकर 1400 आ चुके हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। मोइन, सवाल यही उठता है कि व्यवस्थाओं में थोड़ा बहुत आप 2-4% का बदलाव मान लीजिए तो ठीक है, लेकिन उन सब के बीच आंकड़ा संक्रमण का 1000 घट जाए, मौत का आंकड़ा 22-23 बना हुआ है, ये आंकड़े वाकई घट रहे हैं क्या या फिर घटाकर दिखाया जा रहा है? अगर प्रयागराज की बात करें तो यहाँ के हालात भी उत्तर प्रदेश और देश के दूसरे हिस्सों से कतई अलग नहीं है। यहाँ भी ऑक्सीजन से लेकर दवाओं और अस्पताल में बेड को लेकर मारामारी मची हुई है। लोग दिन भर परेशान होते हैं और सबसे ज्यादा दिक्कत लोगों को ऑक्सीजन को लेकर हो रही है। हालांकि जो पिछले 3-4 दिनों में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने कदम उठाया है उसके बाद अस्पतालों की स्थिति में सुधार आया है। अस्पतालों में अब कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनको अब भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। लोग दिन भर सिलेंडर लेकर इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन उनके परिवार वालों को कतई कहीं से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। लोग 8-8, 10-10 घंटे लाइन लगाए रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को बाद में मायूस होकर वापस लौटना पड़ता है। जो बात आपने, जो सवाल आपने किया कि यहाँ पर संक्रमितों की संख्या घट रही है, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, ये एक हैरान कर देने वाला मामला है। पिछले 5 दिनों की बात करें तो लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। 5 दिन पहले, 6 दिन पहले यहाँ पर डेली 2300-2400 पॉजिटिव मरीज आते थे, लेकिन अब वो आंकड़ा घट के 1300-1400 पर आ गया है।
लेकिन जो मरीजों की मौत हो रही है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि चिंताजनक है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो यहाँ पर 22 लोगों की मौत हुई है, और ये वो मौतों का आंकड़ा है जो सरकारी अस्पतालों में सरकारी रिकॉर्डों में दर्ज है, जबकि हकीकत में इससे कई गुना ज्यादा जो है उन लोगों ने दम तोड़ा है। तो ये एक चिंता की बात बिल्कुल, और इसीलिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि आपकी व्यवस्थाएं बदली नहीं, आपके पास संसाधन आए नहीं, रेमडेसिविर है नहीं, ऑक्सीजन की इतनी किल्लत है, और आंकड़ा अचानक से 2400 से अगर 1498 आने लगे तो फिर शक हो जाता है कि क्या मौत के आंकड़े छिपाने के साथ अब संक्रमण के आंकड़ों में भी खेल होने लगा है। शुक्रिया आपका। तो ये पूरी तस्वीर है, और इन सब के बीच विवेक आपका भी शुक्रिया। कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, बीते 24 घंटे में जहां देश में 360,000 से ज्यादा मामले सामने आए, वहीं स्थितियां विकट होती चली जा रही हैं।